नमस्कार, झारखंडी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड के टॉप 10 प्रमुख खबर जानते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि भारत संक्रमण से निपटने के लिए तैयार है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पेश रिपोर्ट में 80% मामले ऐसे हैं जिनमें लक्षण बेहद सामान्य हैं, सिर्फ 20% मामले गंभीर स्थिति में है। लव अग्रवाल ने बताया कि मरीजों का इलाज 3 चरणों में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज 24 घंटा में 909 नए मामले आए हैं और इस दौरान 34 लोगों की मौत हुई है। वहीं अब कुल 8356 पॉजिटिव मामले हैं। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में हल्की बारिश हो सकती है, वहीं बारिश के दौरान गरज चमक भी होगी। झारखंड राज्य के पलामू के पूर्वी भाग और चतरा के पश्चिमी भाग में बारिश होने की संभावना है, साथ ही साथ कुछ जगहों पर वज्रपात की भी संभावना है। झारखंड राज्य के सभी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं तक छुट्टी में भी क्लास चलाने की तैयारी की जा रही है। खबरों के अनुसार पढ़ाई की हुई नुकसान की भरपाई के लिए योजना तैयार की जा रही है। गर्मी के छुट्टी के तहत 9 से 12 तक कक्षाएं चलाई जाएगी और बच्चों को मध्याह्न भोजन भी स्कूल में ही दिया जाएगा। झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक आज यानी 13 अप्रैल को होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा इससे संबंधित आदेश जारी करते हुए बताया है कि कैबिनेट की बैठक 13 अप्रैल को दिन के 3 बजे से प्रोजेक्ट भवन में होगी। लॉकडाउन के दौरान रांची में दवाइयों की कमी नहीं, वाहनों को दिया जा रहा है पास। खबरों के अनुसार दवाओं की कोई किल्लत नहीं है, खाद्य सामग्री दवाई इत्यादि जरूरी सामानों के आने जाने में वाहनों को नहीं रोका जा रहा है। रांची में संक्रमण से मृत लोगों का अंतिम संस्कार शहर से बाहर करने की मांग को लेकर डीसी को सौंपा गया ज्ञापन। खबरों के अनुसार रिम्स में रविवार को हुई मृत की शवों को शहर से बाहर अंतिम संस्कार करने को कहा गया है, जिससे कि संक्रमण का खतरा कम हो। हिंद पीढ़ी के बुजुर्ग को बरियातू के सतार कॉलोनी स्थित कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। झारखंड के सरकारी स्कूलों में अब 10 माह का होगा शैक्षणिक सत्र। खबरों के अनुसार राज्य के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र जून से शुरू होगा। सत्र 2021 में शैक्षणिक सत्र 12 महीने की जगह 10 महीने का होगा। शिक्षा विभाग और कल्याण विभाग शैक्षणिक सत्र को रीशेड्यूल कर रहे हैं। 10 महीने में ही कोर्स पूरा कर छमाही और वार्षिक परीक्षा लेकर रिजल्ट दिया जाएगा, साथ ही गर्मी की छुट्टी में भी कटौती किया जाएगा। लॉकडाउन में फंसे लोगों को अब सिर्फ 5 रुपये में भरपेट भोजन कराया जाएगा। यदि आपके पास पैसों की कमी हो गई हो तो दाल भात केंद्र पर जाकर सिर्फ 5 रुपये में भरपेट भोजन कर सकते हैं। यह खबर रांची के उपायुक्त ने ट्वीट कर दिया है। तेलंगाना में फंसे पलामू जिला के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के 40 मजदूर ने हेमंत सरकार से लगाई गुहार। लॉकडाउन की वजह से तेलंगाना में फंसे हैं। उन्होंने अपील की है कि सरकार उनकी घर वापसी की व्यवस्था करे। उन्होंने बताया कि हम लोगों के पास राशन खरीदने के लिए पैसा भी नहीं है, जिससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रेस बयान में कहा कि इस महामारी की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार अपनी नाकामी का ठिकरा केंद्र सरकार पर थोपने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने झारखंड को प्रधानमंत्री जन धन के तहत 415 करोड़, मनरेगा के तहत 602 करोड़ व SDIM फंड के तहत 284 करोड़ आर्थिक सहायता दी। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर अवश्य करें। साथ ही आप हमें कमेंट में अपनी राय भी दे सकते हैं। थैंक यू।